फ्रेंड्स, मैं सतीश आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे चैनल जिप्सी फैमिली में। तो आज हम लोग एक लंबे रोड ट्रिप के लिए निकले हैं। हम लोग सुबह घर से निकले हैं 5 बजे और अभी टाइम हो रहा है 9 बजे। हालांकि हम लोग यहां पे 8:45 में पहुंच गए थे, हम लोग अभी नवसारी तक पहुंचे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं मुंबई से दिल्ली बाय कार। तो ये पूरा 1450 किलोमीटर का रोड ट्रिप है और इसको हम लोगों ने 2 दिन में पूरे करने की टारगेट किया है। आज फर्स्ट डे है, आज हम लोग मुंबई से निकले और हम लोग का आज स्टेशन होगा उदयपुर में। तो शाम को 6-7 बजे तक का उदयपुर पहुंचने का टारगेट है। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने नहीं करना है क्योंकि हम लोग खाने पीने का बहुत सारा सामान कैरी करे हैं साथ में, तो गाड़ी में ही खाते पीते जाएंगे। बड़ौदा से पहले या बड़ौदा के बाद में कहीं पे लंच करेंगे और उसके बाद में सीधा उदयपुर में जाके रुकेंगे। तो अभी हम लोग नवसारी के आसपास ही पहुंचे हैं। यहाँ से वडोदरा 200 किलोमीटर रहना चाहिए, 225 किलोमीटर के आसपास। तो वडोदरा पहुँचते हम लोगों को 12 से 1 बजे का टारगेट रखा है हम लोगों ने। तो चलिए हम भी चलते हैं और आपको भी लिए चलते हैं एक एडवेंचरस जर्नी में। वैसे एडवेंचर कोई नहीं है लेकिन ड्राइविंग इस रोड पे इज इट्सेल्फ एन एडवेंचर, तो इसके लिए मैंने बोल दिया एडवेंचर। ट्रक इतने ज़्यादा है ना, तो ट्रकों ने सुबह से दिमाग खराब करके रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, रास्ते में क्या कुछ हम लोगों ने किया उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा आगे। लेट्स एंजॉय द ट्रिप। तो फ्रेंड्स हम अभी वापी में एंटर कर चुके हैं और वापी से होते हुए जा रहे हैं। ट्रैफिक रास्ते में था लेकिन वडोदरा जाने के टाइम में हमको जैसा ट्रैफिक मिला था उसको कंपेयर करें तो बहुत ही कम ट्रैफिक था। फिर भी ट्रैफिक तो है, ये रूट में ट्रैफिक तो रहता ही है। तो ये देखिए वापी का सिटी लिमिट्स के अंदर हम लोग जा रहे हैं अभी। पॉल्यूशन लेवल वापी में बहुत ज़्यादा है, अभी थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा आपको, लेकिन इसके पीछे कम मतलब लगभग 5 मिनट पहले इतना पॉल्यूशन, धुआं 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 दिख रहा था पूरा रोड। और ये गुजरात पुलिस की गाड़ी, हम उसको ओवरटेक करने वाले हैं अभी। पुलिस वाले भैया फाइन मत लगाना, हमको बहुत लंबा जाना है। We'll be right back.
हम लोग अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया था, वहाँ से हम निकल चुके हैं। अभी हम लोग अगर लोगों का ड्राइविंग टाइम बता रहा है 9 घंटा 1 मिनट और अराइवल टाइम बोल रहा है कि 6:15 शाम को। तो लंच करेंगे तो और भी थोड़ा बढ़ जाएगा, आधा घंटा और बढ़ सकता है। फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि 6:30 बजे तक उदयपुर पहुंचने के लिए। अभी हम लोग नवसारी के आसपास हैं और सूरत तो जाएगी नहीं, सूरत बाईपास में निकल जाएगा। फिर सीधा नेक्स्ट जो स्टॉप होगा या हॉल्ट बोल लीजिए वो वडोदरा में, उसके बाद में आगे का जो है शाम को चाय के लिए कहीं पर रखेंगे। ये वडोदरा से हम लोग 2 रोड जाता है, एक इसी हाईवे में कंटिन्यू करेंगे तो आया अहमदाबाद, ये उदयपुर जाता है, और वडोदरा से राइट लेके गोधरा होके भी आप जा सकते हैं। तो हम लोग गोधरा वाला रोड लेने वाले हैं क्योंकि उसमें एक तो ट्रैफिक नहीं रहेगी इतनी, आप देख सकते हैं ट्रैफिक का हालत यहाँ पे, तीनों लेन्स ट्रक है ना पूरा एकदम ऑक्यूपाई करके चल रहे हैं, और वो जो है स्टेट हाईवे है तो उसमें टोल भी नहीं रहेगा क्योंकि गुजरात में कोई भी स्टेट हाईवे में टोल नहीं लगती है। उसी हिसाब से हम वो वाला रोड को चूज करने वाले हैं और शायद गूगल भी वही वाला रूट सजेस्ट कर रहा है। तो चलिए चलते हैं, आगे का नज़ारा बहुत खूबसूरत आने वाला है क्योंकि जो अरावली माउंटेन रेंज स्टार्ट होगा तो बहुत ही खूबसूरत लगता है वो। और जैसे ही राजस्थान में एंट्री करेंगे राजस्थान की तो खूबसूरती और ही होती है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं उदयपुर, नहीं दिल्ली वाया उदयपुर। सो फ्रेंड्स नाउ वी आर क्रॉसिंग सूरत बाईपास, यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे तो वो उसका एग्जिट एक्चुअली पीछे चला गया, तो सूरत में आप एंट्री कर जाएंगे तो हम लोग बाईपास से होके सूरत से निकल जाएंगे। फिर यहाँ से आगे निकलने के बाद में आगे नर्मदा की ब्रिज आती है, फिर उससे आगे जाके हम वडोदरा तक चले जाएंगे, वहाँ पे लंच करेंगे, लंच के बाद में स्नैक्स के लिए बीच में रुकेंगे। लेकिन जो स्टेट हाईवे में बताया आपको भैया गोधरा वाला, उसमें खाने पीने का ऑप्शन वैसे काफ़ी कम है, फिर भी देखेंगे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अभी तक का जर्नी जो है बहुत ही अच्छा रहा है, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है, ट्रैफिक है हालांकि लेकिन फिर भी गाड़ी चल रही है। जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने वडोदरा के टाइम पे किया था उससे तो आप बोल सकते हैं कि 100 गुना अच्छा है आज का कंडीशन। मामाली पीछे सो गई है नाश्ता करके थोड़ा बहुत, और हम लोगों ने भी ऑलरेडी गाड़ी चलते चलते ही नाश्ता कर लिया था, भूख नहीं है कुछ रहेगा, भूख लगेगा तो फिर खाना हमारे पास में बहुत है, स्नैक्स वगैरह। तो वैसे मुंह चलाते चलाते आगे तक निकल जाएंगे, और हमारा तो पेट भर गया लेकिन गाड़ी का पेट अभी खाली है, गाड़ी बोल रही है मुझे भी खाना दो। तो आगे कहीं पे रुकेंगे पेट्रोल डालने के लिए, एक्चुअली मैंने ना कल जानबूझ के मुंबई में पेट्रोल भरा ही नहीं था, 2000 रुपये का ही भरा था क्योंकि मुझे भराना है पेट्रोल गुजरात में। उसका रीज़न ये है कि मुंबई और गुजरात में पेट्रोल का जो प्राइस है 7-8 रुपये का फर्क है, मुंबई में अभी 106 रुपया कुछ पैसे है, गुजरात का पता नहीं, जब मैं पेट्रोल डालूंगा तो आपको अपडेट दे दूंगा क्या है पेट्रोल का प्राइस गुजरात में। तो इसके लिए हमारा जो प्लानिंग था गुजरात में ही पेट्रोल भराने का, तो अभी
आगे कहीं पे भरूंगा। मेरा गाड़ी अभी चलेगा, फिर भी 150 से ऊपर किलोमीटर तो जाएगा ही, 2 पॉइंट अभी भी बाकी है। चलो फ्रेंड्स, वैसे ही हमारे साथ में बने रहिए। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो हम लेके आ सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स हमारे साथ में बने रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग जस्ट अंकलेश्वर के पहले एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप था, वहाँ पे पेट्रोल भराए और प्रेशर वगैरह भी चेक कर लिया। हालांकि मैंने कल प्रेशर चेक किया था, फिर भी क्योंकि लॉन्ग जाना है हमको, इसके लिए वापस एक बार प्रेशर चेक करा लिए। तो यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस है वो 96 रुपीज़ 66 पैसे, मतलब कि महाराष्ट्र से पूरा 10 रुपये कम। तो 3500 रुपये में मेरा टैंक फुल हो गया। यही अगर मैं महाराष्ट्र में भरवाता था तो 4100 से 4200 के बीच में आता था। तो आप बोल सकते हैं कि 600-700 रुपये का बचत हो गया मुझे। तो फ्रेंड्स, वडोदरा से पहले एलएनटी का जो टोल प्लाजा है उसको क्रॉस करने के बाद में हम लोग यहाँ पे रुके हैं लंच करने के लिए। होटल का नाम है, रेस्टोरेंट का नाम है ऑनेस्ट होटल ले नंदिनी, प्योर वेज रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा है होटल जो है, काफ़ी साफ सुथरा है। यहाँ पे ये पार्किंग वगैरह है, पार्किंग इस साइड में भी है, काफ़ी सारे गाड़ियाँ खड़े हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रुके लंच करेंगे, वेज है। गुजरात से जा रहे हैं तो कुछ काठियावाड़ी वगैरह मिलेगा तो खाएंगे। उसके बाद में लंच के बाद में यहाँ से आगे का जर्नी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए हम लंच कर लेते हैं, आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे रेस्टोरेंट के अंदर, हमारा खाना ऑर्डर हो गया और इमाम अली उसको आज काठियावाड़ी थाली खाना है, तो हमने ऑर्डर करके बैठे हैं। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, भीड़ नहीं है। एक्चुअली दो प्रोविज़न है, बाहर नॉन एसी का प्रोविज़न है और अंदर एसी का प्रोविज़न है। तो ना बाहर भीड़ है ना अंदर भीड़ है, गाड़ी लेकिन बहुत सारे हैं, काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे चेयर्स खाली पड़े हैं अभी भी। तो हमारा ऑर्डर हो गया है काठियावाड़ी थाली का, हम बैठे हैं ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आने के बाद में हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है उसमें। तो फ्रेंड्स, ये है थाली, इसमें एक रोटला है, रोटला मीन्स ज्वारी की रोटी, राइस की कटोरी है, सब्जी है, सेव टमाटर और मूंग, आलू गोभी, दाल, राइस, पापड़। एक ही मिर्ची दीजिए, इतना कितना? एक ही चाहिए, एक ही चाहिए, हाँ एक ही चाहिए बस। तो फ्रेंड्स, लंच हो गई हमारी, टम्मी एकदम फुल हो गया, खाना अच्छा था। बाजरे की रोटी थी, राइस, 3 सब्जी थी, एक सेव टमाटर, एक आलू गोभी और एक मूंग दाल की सब्जी, राइस एंड दाल। खाना होने के बाद जस्ट हम लोग निकले हैं अभी, यहाँ से वडोदरा 10-15 किलोमीटर रहेगा और उदयपुर यहाँ से बता रहा है 376 किलोमीटर्स।
और जो हमारा अराइवल टाइम था वो अभी बढ़ गया एक घंटे से, तो अभी का अराइवल टाइम जो बता रहा है 7:43। देखते हैं, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे लंच करने के लिए लगभग लगभग एक घंटे तो बैठ गए, तो उसी हिसाब से टाइम बढ़ गया। चलिए चलते हैं, देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे। मेरे हिसाब से 6:30 बजे 7 बजे तक पहुँच जाना चाहिए हम लोग। चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग वडोदरा ऑलरेडी पहुँच गए हैं, और यहाँ से हम लोग ये जो हाईवे है इसको छोड़ देंगे, दिल्ली मुंबई हाईवे या मुंबई दिल्ली हाईवे जो भी बोल लीजिए, इसको छोड़ देंगे हम लोग, और यहाँ फ्लाईओवर होके हाईवे मेन हाईवे निकल जाएगा। हम नीचे से जाके राइट ले लेंगे हलोल वडोदरा हाईवे। तो वो जो रोड है वडोदरा होके हमें उदयपुर तक लेके जाएगा। जी पहुंचने के लिए अभी 124 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। ये हम गोधरा के आसपास हैं, गोधरा जस्ट क्रॉस किए हैं, और ये गुजरात स्टेट हाईवे 5 जो कि मोडासा गोधरा हाईवे है उस पे जा रहे हैं। तो सामला जी पहुंचने के बाद में वहाँ से हमको नेशनल हाईवे मिल जाएगा। ये रोड भी बहुत अच्छा है, वो भी अच्छा ही रहेगा, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का। गुजरात में आने के बाद में खास करके जब लोग हम लोग बड़ोदरा से ये वाला हाईवे लिए हैं, फिर अभी तक में 4 टोल प्लाजा आया है, लेकिन हम लोगों ने कहीं पे भी टोल नहीं दिया। यहाँ पे जितने भी लाइट व्हीकल्स हैं उनको टोल एप्लीकेबल नहीं है, तो जो हैवी व्हीकल्स हैं बसेस एंड ट्रक्स उन्हीं को ही टोल एप्लीकेबल है। तो हम तो आराम से निकल आए। तो इस हाईवे से आने का एक फ़ायदा वो है कि आपको टोल नहीं लगेगा, और दूसरा कि कंपैरेटिवली जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है उसके कंपैरेटिवली यहाँ पे आपको ट्रैफिक भी कम मिलेगी, तो ये 2 फायदा आपको मिलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, हमारे साथ में बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा। कितना खूबसूरत हाईवे है, मेडियन पे लाल लाल कागज के फूल लगे हुए हैं,
हम लोग ओडिशा में थे, उसको कागज के फूल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। और दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। और साथ में खुली सड़क, तो वो सोने पे सुहागा है, चार चांद लगा रहा है। इसमें जो इस रोड पे गाड़ी जो है ना वो ना के बराबर ही है ही नहीं। लेकिन जो वडोदरा तक हम लोग आए, बहुत ही ट्रैफिक था, बहुत ज्यादा। हाय फ्रेंड्स, तो आते आते हमको थोड़ा चाय पीने की ज़रूरत महसूस पड़ी, तो यहाँ पे एक रोड साइड ढाबे में हम लोग रुका के चाय पी रहे हैं। हमारी चाय भी ऑलरेडी आ चुकी है, तो हम चाय का आनंद ले रहे हैं। मामाली गाड़ी में बैठी हुई है, गाड़ी हमारे वहाँ पे खड़ी है और सामने ही बिल्कुल हाईवे है। बहुत ही अच्छा लोकेशन है। तो यहाँ से हम फिर सीधा निकलेंगे सामला जी होते हुए उदयपुर के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको जो न्यू अपडेट्स हमारे तरफ से न्यू वीडियोज पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड फॉर सपोर्टिंग अस, एंड प्लीज़ बी विथ अस। तो फ्रेंड्स, हम लोग सामला जी पहुंच गए और वापस से दिल्ली मुंबई हाईवे पे आ गए हैं, NH 48। और ये आरावली माउंटेन रेंज के पास में ही ये हाईवे गया हुआ है। मतलब हाईवे जो बना है माउंटेन को काट के ही कहीं कहीं पे रास्ता बनाया गया है। तो आगे एक बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा, एकदम ज़बरदस्त। सनसेट हुई नहीं है अभी, अभी टाइम हो रही है 5:04, और यहाँ से उदयपुर का डिस्टेंस है 125 किलोमीटर। हम लोगों को लगभग 2 घंटे और लगेंगे उदयपुर पहुँचने के लिए। ये हाईवे का जो कंडीशन है, रोड कंडीशन बहुत ही अच्छा है, एकदम गाड़ी स्मूथ जा रही है और ट्रैफिक भी कंपैरेटिवली जो अप टू बड़ोदरा जैसा ट्रैफिक था वैसा नहीं है, बिल्कुल बहुत ही कम है। फ्रेंड्स, ये नजारा देखिए, दोनों तो दोनों साइड में पहाड़ को काट के रोड कंस्ट्रक्ट किया गया है। आड़ी टेढ़ी सड़क है, सांप के जैसी पूरी लहराती बलखाती हुई रास्ता जा रही है और बहुत ही नज़ारा बहुत खूबसूरत है। रास्ता एकदम अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। आप अगर डैशबोर्ड के ऊपर पानी के ग्लास भी रख दोगे तो वो गिरेगा नहीं पानी, इतना स्मूथ है रोड। बेहतरीन रोड, बेहतरीन ड्राइविंग कंडीशंस, मजा आ रहा है ड्राइविंग करने का। एक्चुअली हम लोगों ने सोचा था कि मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं नहीं, हम रोड में नहीं जाएंगे, फ्लाइट में चले जाएंगे। सॉरी, वाइफ बोल दिया, धर्मपत्नी जी। तो मैं और बेटी जिद पकड़ के बैठ गए कि नहीं नहीं, हमको रोड से जाना है। तो रोड में क्या है, एक अलग ही मजा है रोड ट्रिप का। अब जाओगे तो फ्लाइट में क्या है, जाना है 2 घंटे में पहुंच जाना है, भले ही 2 घंटे में पहुंच जाएंगे आप, लेकिन वो चार्म नहीं मिलता है। यहाँ पे रास्ते भर खाते पीते जाओगे आप,
अलग अलग जगह देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप के लोगों से आपकी मुलाकात होती है। हर एक 70-80-100 किलोमीटर में जो जियोग्राफिक कंडीशन में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, तो खास करके बच्चे भी वो सब चीज़ों को एंजॉय करते हैं। जैसे हम लोग अभी गुजरात में थे और अभी राजस्थान में आ गए, तो उसी हिसाब से यहाँ पे लैंडस्केप चेंज हो गया। तो ममली इज एंजॉइंग ए लॉट और अरावली माउंटेन रेंज देख के उसको ज्यादा मजा आया। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में एंटर करने के बाद में फर्स्ट टोल गेट खेवारा करके एक छोटा सा कस्बा गया पीछे, छोटा सा टाउन। तो खेवारा के बाद में ये टोल गेट है। ओनली कार्स, नो एग्जेम्पशन इन दिस लेन। अगर आपके पास में फास्ट टैग नहीं है तो आपको डबल टोल भरना पड़ेगा। टोल खुल नहीं रहा है, मेरा तो इतना जल्दी रीड कर लिया, क्या बात है। तो खाई जाता था कौन उठे जूस पी दो तो जयपुर यहाँ से, सॉरी जयपुर बोल गया मैं, उदयपुर यहाँ से 75 किलोमीटर से, और यहाँ से टाइम बता रहा है 1.25 घंटा। तो लगभग 7-7.25 बजे के आसपास हम लोग होटल तक पहुँच जाना चाहिए। एक्चुअली मैंने ओयो से एक रूम भी बुक कर लिया था, तो होटल तक मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 7:15 तक तो पहुंच ही जाएंगे। अभी तो ये 6:59 बोल है, लेकिन 7:15 तक तो पक्का पहुंच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ में और आपका प्यार ऐसे ही देते रहिए। मिलते हैं उदयपुर पहुंचने के बाद। टाइम हो रहा है 6:34, 6:34 मिनट।
और अभी हम उदयपुर में जस्ट पहुंचे हैं, तो अभी होटल यहां से 11 मिनट बता रहा है। तो होटल में जाने के बाद में ये ब्लॉग को मैं ख़त्म करूंगा, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। गुड इवनिंग, सीन ऐसा बना कि हम लोग होटल में चेक इन करने के बाद में यहाँ पे आ गए हम लोग डिनर करने के लिए। ये नाम है इसके रेस्टोरेंट का, कृष्णा। तो कृष्णा रेस्टोरेंट करके है, कृष्णा दाल बाटी चूरमा स्पेशल है यहाँ का। तो मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ रेस्टोरेंट कैसा है। ये मामाली बेटी है, ये धर्मपत्नी जी है और ये हमारा सर्विंग चालू है। तो दाल बाटी चूरमा के साथ में बाकी लहसुन की चटनी, पुदीना की चटनी, कैप्सिकम वगैरह सब कुछ मिलता है। ये चूरमा आ गया, ये बाटी है, सॉरी ये बाटी था, उसके ऊपर ये जा रहा है घी। चम्मच भर के जितना कोलेस्ट्रॉल कम किए थे सब वापस पड़ने वाला है भैया। तो ये रेस्टोरेंट काफी अच्छा है। देखिए, तो मैं आपको खाने के बाद में सजेस्ट करूँगा कि कैसा है करके, वो फीडबैक बताऊँगा। तो हम अभी डिनर कर रहे हैं, तो फिर से आता हूँ आपके पास। तो फ्रेंड्स, डिनर करके हम लोग आ गए हैं और खाना जो था ना एकदम अल्टीमेट था। दाल बाटी चूरमा बहुत ही लाजवाब, जो दाल थी ना वो सबसे अच्छा लगा मुझे, उसके साथ में बाकी सारे आइटम अच्छे थे। तो आप भी कभी अगर उदयपुर आने का प्लान कर रहे हैं ना, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने रैंडमली ऐसे गूगल में सर्च करके वहाँ पे गया था, रेस्टोरेंट का नाम है कृष्णा दाल बाटी रेस्ट्रो, ये जो है गुलाब बाग रोड में है। तो ट्राई करने लायक है, बनता है। तो फ्रेंड, इसी के साथ में ही आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। कल सुबह हम लोग उदयपुर से निकलेंगे दिल्ली के लिए, लगभग 5 बजे निकलने का हमारा प्लानिंग है। तो सुबह का जो जर्नी है मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम लोग कौन सा रूट पकड़ के जा रहे हैं और रास्ते में क्या क्या करने वाले हैं, वो नया ब्लॉग में आएगा। तो टिल देन फ्रेंड्स, गुड नाइट। आप सभी आपका ध्यान रखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।